नाजरीन, बेसिक नेसेसिटीज तक रसाई आपकी मुश्किल हो जाए तो ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ असरअंदाज होती है बल्कि कई सोशल इश्यूज जो हैं वो सर उठाने लगते हैं। और हमारे मुल्क का हाल भी कुछ ऐसा ही है। महंगाई, बेरोजगारी अपनी जगह, लेकिन एक आम पाकिस्तानी बिजली के ज़ायद बिल्स भरने के बाद भी तवील लोड शेडिंग का अजाब भुगतता है। गली मोहल्ले सड़कें गंदे पानी से भरी हुई हैं और ये मामला कोई नहीं देखने वाला, और दूसरी जानब आवाम साफ पानी पीने के लिए तरस रही है। कराची प्यासा है मगर टैंकर माफिया को कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने सीवरेज बिलों और पानी के निरखों में मजमूई तौर पर 23% इजाफा करके शहरियों के सर पर एक नया टैक्स दे मारा है। पानी आए ना आए, टैक्स इजाफी देना होगा। दूसरी जानब एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट को देखें तो इसमें खबरदार किया गया कि बढ़ती हुई आबादी, मौसमी तगैयरात और आबी ज़खायर की किल्लत के बायस पाकिस्तान 2040 तक पानी की कमी का सामना करने वाले ममालिक में 23वें नंबर पर आ सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुल्क की 43% शहरी आबादी को अब भी पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है। कराची में तकरीबन 35 से 58% पीने का पानी ज़ाया हो रहा है। पानी ज़खीरा करने की कम सलाहियत हमारे आबी ज़खायर की कमी की बड़ी वजह है। हमारे यहाँ 9 से 10% पानी ज़खीरा करने की सलाहियत है, हालांकि आर्मी मियार के मुताबिक ये 40% तक होने चाहिए। अब अपने तजियाकारों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो पानी की कमी है जिसकी हम हमेशा बात तो करते हैं लेकिन हल की जानब हमारे जो जितने भी इंतजामिया हैं या हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो जाते क्यों नहीं इस मामले की जानब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।